आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव व महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव, शिव की नगरी सिवनी और सिवनी में ऐसा माना जाता है साक्षात देवाधिदेव विराजे हुए हैं मठ मंदिर में शिवलिंग के हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। कितना सुंदर सजा हुआ है मंदिर, आरती यहाँ चल रही है। दरअसल ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, दृश्य श्रावण के अंतिम सोमवार के, श्रावण में अंतिम समय का है जब श्रावण मास बीतने को था। श्रावण के अंतिम सोमवार 28 अगस्त 2030 के उपरांत ये 29 अगस्त का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 30 अगस्त को श्रावणी के उपरांत श्रावण मास समाप्त हो गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में बहुत लंबे समय से मांग उठ रही है कि जिस तरह महाकाल का एक कॉरिडोर बनाया गया है उज्जैन में, उसी तरह सिवनी में मठ मंदिर कॉरिडोर बनाया जाए, उसी तर्ज पर बनाया जाए। और इसके लिए सिवनी के दोनों सांसद, चारों विधायकों को प्रयास करने चाहिए। विडंबना ही कही जाएगी कि महाकाल लोक तो तैयार हो गया, पर सिवनी का मठ मंदिर जैसा का तैसा है। सिवनी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, उनका कहना ही पर्याप्त होता है। वे अगर अधिकारियों को निर्देश देते हैं तो वही पर्याप्त होता है, पर पता नहीं क्यों इस दिशा में जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज़्यादा दिलचस्पी अभी तक ली नहीं गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। संगीतमय सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस कदर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा सुंदरकांड का संगीतमय पाठ किया जा रहा है और ढोलक तबले और ढोल मजीरों की थाप पर झूम रहे हैं श्रद्धालु। श्रावण मास में अद्भुत नज़ारा होता है देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव के मठ मंदिर का। वैसे तो देवाधिदेव के अनेक देवालय हैं सिवनी में। सिवनी को वैसे भी शिव की नगरी कहा जाता है, शिव की नगरी माना जाता है, और यहाँ मठ मंदिर का अपना अलग महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मठ मंदिर और काशी विश्वनाथ दोनों जगह शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा एक ही दिन कराई गई थी, इस तरीके की मान्यता है, एवं दोनों का नाप भी एक जैसा था। धीरे धीरे क्षरण संभवतः होता जा रहा है। इस मामले में पुरातत्व विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट सिवनी ब्यूरो से। महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे, उम्रदराज लोग, हर वर्ग के लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ढोल मंजीरे, ढोलक तबला, सबकी थाप पर संगीतमय रामायण का पाठ यहां लगातार जारी है। श्रद्धालु अपने आप ही यहाँ उमड़े चले आते हैं, जुटे चले आते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मठ को सजाया गया है देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव के से। ये देखिए, छोटी सी बच्ची यहाँ पर आनंद लेती हुई दिख रही है, फुग्गों से खेल रही है। देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का ये देवालय, और इस देवालय को बहुत सुंदर तरीके से श्रावण के मास में सजाया गया है मठ महाकाल समिति के द्वारा। मठ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भी आरंभ कराया गया है। मठ मंदिर महाकाल समिति के द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे खुले हाथ से दान दें, तन मन धन से यहाँ पर सेवा करें, और सेवा के उपरांत जो भी वे दान देते हैं उसकी रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें, पुण्य लाभ अर्जित करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखिए कितने भगवान की भक्ति में, देवाधिदेव महादेव की भक्ति में यहाँ पर लीन नजर आ रहे हैं उनके भक्त। इस मठ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में नरियल और नरियल की चट्टानों से, नरियल की रस्सियों से देवाधिदेव महादेव की लगभग 18 फीट ऊंची एक प्रतिमा का भी यहाँ निर्माण कराया गया है, जो वास्तव में आकर्षण का विषय बनी हुई है, लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है।
लोग यहां सेल्फी ले रहे हैं। पहुंचकर मठ मंदिर को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, आसपास का जो उसका प्रांगण है उस प्रांगण को पूरी तरह व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मठ तालाब के गहरीकरण साफ सफाई की आवश्यकता है। मठ तालाब की भी उसका भी सौंदर्यीकरण जनप्रतिनिधियों को कराना चाहिए था, पर विडम्बना ही कही जाएगी कि अभी तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी तरह की रुचि यहाँ नहीं ली गई है। कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ब्रह्मांड के राजा जिन्हें कहा जाता है उनके मठ मंदिर देवालय का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर आ जाएंगे। जय हिंद।